गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी व्लॉग्स। और भाई वो पीछे अपना घर है जहाँ पर टेस्ला खड़ी है, उससे पीछे वाला, ठीक है। सो अभी बिल्कुल घर से निकले हैं एंड थोड़ी थोड़ी स्नो हो रही है, आपको दिखाता हूँ स्नोफॉल के नज़ारे, देख लो गाइस, ठीक है। अपनी भाई GTA San Andreas वाले ये भी भाई ढक चुके हैं स्नो से और आपको हवा में स्नोफॉल होती दिख ही रही होगी। और लेक्सस गई भाई, सो ये देख लो भाई हाल जुको का मस्त चल रहा है। अभी तो देखो, अभी देखो बिल्कुल अभी स्नोफॉल हो रही है, सो अभी बहुत अच्छी लग रही है स्नो, हर जगह से बहुत सुंदर लगेगी। और अभी आपने देखा हो तो देखो निशान दिख रहा है, तब ये धीरे धीरे जब ये आइस बन जाएगी ना उधर भाई, तो जब ये आइस बनेगी ना तो भाई गंदे फिसलेंगे हम। और ये हल्की हल्की बन चुकी है इस एरिया में, तो अब धीरे धीरे ब्लैक आइस बनेगी भाई, फिर बहुत बुरा हाल होगा। बट हाँ अभी फिलहाल तो अच्छा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मज़े लेते हैं इसके। और भाई गैस करो, हम सुबह सुबह दोनों भाई क्यों निकले हैं, ठीक है, गैस करो। फायदा तो है नहीं, क्या कह रहा है, टाइटल में तो लिखेगा। हाँ टाइटल में लिखूंगा, गैस करवा रहा है वो तो उनको पहले ही पता है। सही बात है यार, ये भी बात सही है। चल कोई नहीं, तू बता दे किस लिए जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं। आईफोन लेने और एक और काम है। ये दूसरा काम तो भैया अकेला ही करेगा, ये इज गोइंग फॉर हिज इंटरव्यू, ठीक है। आपको बताता हूँ कैमरा पलट के, बट हाँ पहले तो थोड़ी सी स्नो वाला देखो, देखो कितनी ज़्यादा हैवी स्नो है इस एरिया में। यहाँ से तो क्लीन हो रखा है मैटर, तो वही सामने बस वाला है, वहाँ पे खड़े होते बस स्टॉप पे बोराटी होता इस। हम निकल चुके हैं iPhone 14 Pro Max लेने भाई। कल शाम को इनका फ़ोन आ गया था रात के 8 बजे, सो आई वाज लाइक भाई अब तो स्टोर बंद ही हो जाएगा इधर हम पहुँचेंगे। तो भाई अगले दिन आया थॉट कि भाई व्लॉग भी बना लेंगे, सारे काम हो जाए रात को, अब क्या ही व्लॉग बनाता। और ऊपर से भाई अपनी जॉब भी थी तो इसलिए बातचीत भी नहीं हो पाई। तो भाई भाई का फ़ोन आ चुका है, देखते हैं कौन सा क्या कलर और सारी चीज़। बाकी जो जिसने पुराना व्लॉग देखा होता उसे पता भी है कौन सा कलर ले रहे हैं, ठीक है। बाकी स्टे वेटेड गाइज, और फाइनली 14 प्रो मैक्स लेने जा रहे हैं हम। भाई ने 1.5 लाख लगवाए दिए, बट कोई नहीं, दूसरा काम क्या है उसके लिए ये खुद ही जाएगा। अरे आज इसका इंटरव्यू है, पहला जॉब इंटरव्यू कनाडा में, सो लेट्स सी हाउ इट गोज। और ये भाई रात को आएगा तो फिर वो आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगा, और इससे पूछेंगे सारी चीज़ें कि भाई कैसा क्या हुआ, ठीक है। पहली बार जा रहा हूँ, मेरी दिक्कत हो जाएगी तो मेरे साथ चल बैठी हो। नहीं भाई मेरे को ना अभी जाके सोना है, क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ, थोड़ा सा ही सोया था, थोड़ा सा सोया, हाँ क्योंकि मेरी रात की शिफ्ट है, सो आई हैव टू गो, थोड़ा सा सोया, आई हैव टू स्लीप, ठीक है। सो अब घर जाके रेस्ट करूँगा, अगर सोऊंगा भी तो नहीं, ऊपर से व्लॉग एडिट कर रहा है, बहुत सारा काम है, ठीक है। सो बस आ चुकी है एंड गाइस सी यू, सीधा मॉल में चलते हैं, गिलफर्ड मॉल जा रहे हैं, तो लेट्स गो। तो गाइस पहुँच चुके हैं मॉल में, ठीक है, और पूरा सामने फ्रीडम स्टोर। तो भैया हम अंदर चलते हैं, फ़ोन के बारे में बातचीत करते हैं, क्या रहा क्या नहीं रहा, कॉल आ चुकी है, तो लेट्स गो गाइस। गाइस स्टॉक में आ चुका है 14 प्रो मैक्स, बट गोल्ड कलर नहीं आया, पर्पल आया, डीप पर्पल। और आपको एक बात बताऊँ, जब हम बुकिंग कर रहे थे ना, उन्होंने बोला हमने डीप पर्पल की सोची थी एक बार, पर उन्होंने बोला डीप पर्पल सबसे ज़्यादा लेट आ रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग उसी को खरीद रहे, राइट। बट किस्मत हमें मिल चुकी है और अभी भाई डीप पर्पल आ चुका है, बट लेट्स सी, वो कह रहे गोल्ड भी मैं एक बार देख लेती हूँ, तो आज डीप पर्पल ले लेंगे, काम खत्म, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है। भाई पर्चे आ चुके हैं, ये अपना फ़ोन चल चुका है, सेटअप हो रहा है, ठीक है, और ये चार्जर भी लिया है। और भाई ये देख खर्चे खर्चे हो चुके हैं भाई, 3-4 निकले हैं, एक उसके हाथ में भी है। देखो भाई साहब ने फ़ोन खोल लिया अभी अभी भाई, ठीक है, तो फ़ोन तो ले लिया, पर यार मज़ा नहीं आया देख, क्योंकि भाई ये सील उन्होंने तोड़ी, उतार के उल्टा चेप के दिया, और भाई 3 दिन के लिए यूज़ करेगा भाई, तो सेटअप सेकंड हैंड वाली फील आ रही है भाई, भाई यूज़ कर रहा है तेरा, पैसे तो मैंने ही दिए हैं, नहीं वो वाली बात है, कवर भी उतार दिया भाई ने, ये देखो चला हुआ मिला पर ठीक है। तो भाई इन्होंने सेटअप करके दिया है, तो सेटअप भी करवाना ज़रूरी था, कोई नहीं। तो भाई आपको एक बात बताऊँ, फ़ोन खरीद लिया है और कैसा लग रहा है यश भाई? भाई कैमरा से लाएंगे इसमें, दोनों उस तरफ करियो, सड़ अपलेट कर दे, तो भाई उधर कर दिया है, ये देख लो फर्क तो है भाई, फर्क है, चलो अच्छी बात है, अब रख ले इसको भाई, इसका इंटरव्यू है, बाद में छेड़ियो अभी फ़ोन को, अपना इंटरव्यू देने जाओ और फिर आके फ़ोन को चलाओ, फोन को तो चलते भाई, कनेक्ट क्या कनेक्ट करवाना वहाँ पे, नहीं अब वो बाद में ही करेंगे, फिर जब मेरे को फ़ोन अपने वाला मिल जाएगा तब चलेंगे। चलो भाई चलते हैं भाई, फ़ोन तो भाई सेक्सी है यार, ये दिखाइए एक बार,
डीप पर्पल भाई बहुत सुंदर लग रहा है। ये फुल रहा फोन का डब्बा और ये रहा मॉल, मॉल से निकल चुके हैं बाहर, आपको दिख रही है भाई मस्त स्नो स्नो हो रही है। तो भाई और मैं दोनों भाई सिमिलर सेम मैचिंग बूट्स लेके अब मैं निकल चुके हैं यहाँ से घर की तरफ। भाई स्नो ने बुक कर रखा बुरा हाल। अब रोड की हालत तो देख ही रहे होगे, कीचड़ कीचड़ हो चुका है भाई बिल्कुल ही, ठीक है। सब ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर सकते क्योंकि भाई ठंड बहुत ज़्यादा, हाथ पड़ जाते सुन, ठीक है। इसलिए ब्लॉग थोड़ा सा स्मॉल स्मॉल, अब घर जाके आपको ज्ञान देंगे थोड़ा सा, ठीक है। सो चलते हैं और अब घर जा के बातचीत करता हूँ आपसे। आ चुके हैं घर पे, ठीक है। सो अब बातचीत करते हैं डीप वाली। तो भाई ये अपना फ़ोन है 14 प्रो मैक्स डीप पर्पल, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग कलर है, ठीक है। हमने गोल्ड सोची थी बट हाँ भाई ये कलर मिल गया, जो सबसे पहले मिला वो ले लिया, हमें ये लेना था। पर भाई इसकी वेटिंग इतनी ज़्यादा चल रही है, इंडिया में नहीं कनाडा में भी बहुत ज़्यादा वेटिंग चल रही है। और भाई खासकर इसके वाला फीचर जो लाइक बंद ही नहीं होता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इसको बंद भी कर सकते हैं, मैंने बंद भी कर दिया, देखो वैसे भी ये भी अच्छा लगता है। सो बॉक्स वॉक्स एक बार नकली अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा देख भी लिया होगा और एक बार अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ आपको इसकी, और फिर इसके बाद बात करें कि भाई मेरे कनाडा में मेरे को कितने रुपये का पड़ा, INR में भी डॉलर्स में भी सारी चीज़ बताऊँगा और कैसे क्या आगे जाके पे करना है सारी चीज़। तो चलो वीडियो को शुरू करते अच्छे से। अब देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं भाई मैंने ये फ़ोन एप्पल स्टोर से नहीं लिया है, मैंने ये लिया है फ्रीडम मोबाइल से। फ्रीडम मोबाइल क्या है भाई, जैसे अपने इंडिया में सिम है जियो एयरटेल, वैसे यहाँ पे भाई सिम अलग अलग, फ्रीडम फाइडो एंड रॉजर्स और शो ये सारी, ठीक है। तो अलग अलग सिम कार्ड है इनके, तो भाई मेरे पास फ्रीडम की सिम कार्ड है तो मैंने उससे लिया है फ्रीडम वालों से। भाई मेरे को अपने सिम कार्ड पे फ़ोन चाहिए एक और, एक नया एक और तो क्या ही है, मेरे पास ये वाला ऑलरेडी मैं इंडिया से लेकर आया था ये वाला आईफोन, ठीक है। सो उसके लिए भाई ये सारे, अगर आप एप्पल स्टोर से ले रहे हो तो भाई एप्पल स्टोर पे EMI का ऑप्शन होता है बट वो ऐसे अप्रूव नहीं होता, उस पर आपको लाइक काफ़ी साल से रह रहे होते हैं जो उन्हीं का अप्रूव करता है एप्पल स्टोर, एंड या फिर आप पूरा कैश दे के लो। तो हम हैं स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो भाई एकदम से लाइक ये वाला जो फ़ोन है ना यहाँ पे हमारे पढ़ाई है 1584, और अगर उसको INR में करेंगे, आप लोगों के सामने करके दिखाता हूँ, 1584 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं गाइज, एक सेकेंड, 1584 × 60, तो ये 95,000 रुपये का 14 प्रो मैक्स 128 GB, इतना। और इंडिया से लोगे तो 1.5 लाख का फ़ोन है ये, और यहाँ पे मेरे को 95,000 में मिला है, ठीक है, बिल्कुल सील पैक, बिल्कुल नया, कोई रेफरबिश्ड वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। सो ये फ़ायदा है कनाडा में रहने का, और सारा सिस्टम बताऊँगा, और बल्कि मेरे और भी ज़्यादा सस्ता कैसे पड़ेगा मैं आपको वो भी समझाऊँगा। कनाडा में अगर आप रह रहे हो तो आप ऐसे फ़ोन ले सकते हो, ठीक है। तो 95,000 में ये फ़ोन पड़ा है मेरे। बेसिकली आप अगर यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो एक महीने की सैलरी, ठीक है, एक महीने की सैलरी इतनी निकल जाती है, तो एक महीने की सैलरी गई है मेरी इस फ़ोन के ऊपर। अभी मैंने सारी नहीं दी है, मैंने कितने पैसे अभी पे करके आया हूँ और फिर मैंने EMI पे लिया है, तो EMI का सारा सिस्टम बताता हूँ। और फिर अगर आप फ़ोन कंपनी से लेते हो, आपको किसी को देना है, तो वो भी सारा सिस्टम बताऊँगा भाई। इसका क्या सीन है, अगर मैं इस फ़ोन को 3 दिन तक, देखो अभी मेरी सिम है इसमें, आपको फ्रीडम दिख रहा है, ये मेरी सिम है इसमें, तो अगर मैं इसको 3 दिन से पहले अपनी सिम निकाल दूंगा या कुछ और किसी और के सिम डालूंगा, ये फ़ोन हो जाएगा लॉक, ठीक है। इसमें लाइक प्रॉपरली सेटिंग है, तो 3 दिन यानी कि 72 आवर्स तक मेरे को अपनी सिम इसमें रखनी है, क्योंकि ये फ़ोन देखो मैंने, अब मेरे पास है ऑलरेडी आईफोन, और मैं एक फ़ोन और है जो भाई का है, तो मैंने उससे मंगवाया था इंडिया से, MI कह रहा हूँ, 1+10 Pro, ठीक है, क्योंकि आपको तो 1+ वाले की तो बैटरी और सारा सिस्टम तगड़ा है, तो भाई एक दो फ़ोन रखूँगा मैं, तो ये फ़ोन मैंने इसलिए अब उसको दूंगा 14 Pro Max, ओके। मैंने अपने सिम पे लिया है, ठीक है, तो मैंने अपनी सिम डाल रखी है इसमें, अभी इस फ़ोन में कोई सिम कार्ड नहीं है। तो अब इसमें 72 आवर्स यानी 3 दिन के बाद अगर मैं इसमें सिम डाल के किसी की भी डाल दूँगा, इंडिया ही भेज रहा हूँ, तो मेरे को पहले 3 दिन वो खुद यूज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद 3 दिन बाद मैं उसे कहीं पर भी भेज सकता हूँ। ये फ़ोन एज इट इज़ बिल्कुल नॉर्मल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये प्रॉपर एप्पल स्टोर का ही फ़ोन है, ऐसे मत सोचो कि भाई कुछ और है इस पर, सारी चीज़ देखो ऊपर भी आपको दिखा दो, 14 कैमरा फोकस नहीं हो रहा गाइस, इस पर कैमरा पलटना पड़ेगा। लो ये देख लो आपके सामने आईफोन 14 प्रो मैक्स डिजाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया असेंबल्ड इन चाइना, ठीक है। नीचे सीरियल नंबर, इसलिए ज़्यादा कुछ दिखा नहीं रहा हूँ, बाकी ये देख लो डीप पर्पल आपको दिख रहा होगा,
ठीक है। तो भाई ये डीप पर्पल 14 प्रो मैक्स प्रॉपर, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं कि भाई एप्पल स्टोर से ले लिया या वहाँ से लिया तो कुछ डिफरेंस होता है, सब कुछ सेम है और प्रॉपर लेटेस्ट फ़ोन है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग डेट अलग है, बिल्कुल इनके पास तो स्टॉक में ही नहीं आते, बिल्कुल लाइव मंगवाते हैं। मैंने पहले प्री बुक करवाया था, प्री बुक करने के बाद ये ऑर्डर देते हैं, नया फ़ोन आता है बिल्कुल, ऐसा नहीं कि भाई काफ़ी दिनों से पड़ा है तो मैंने ले लिया, वो वाला सिस्टम नहीं है। प्री बुकिंग होती है वो होती है, फिर ऑफ़र भी बताऊँगा आपको, बहुत तगड़ा ऑफ़र है, ठीक है। जो प्री बुकिंग होती है वो होती है $100 की, $100 की अगर INR में बात करें तो वो होगी 6,000 रुपये। तो 6,000 दे के मैंने इस फ़ोन की प्री बुकिंग कर दी थी थोड़े दिन पहले, आपने व्लॉग में भी देखा होगा मेरे प्रीवियस व्लॉग में, ठीक है। 6,000 देने के बाद मेरे पास कॉल आई है उनकी 3 या 4 दिन बाद, आपने लाइक मे भी शायद 3 ही दिन हुए हैं, 3 दिन में फ़ोन आ गया, उन्होंने ऑर्डर कर दिया था। तो मैंने भाई बोला था जो आ जाए 14 प्रो मैक्स वो बता देना मेरे को, पर प्रेफरेंस हम कर रहे हैं डीप पर्पल और उसके बाद है गोल्ड। गोल्ड और डीप पर्पल पे इन्होंने बोल दिया था भाई कम से कम ना आपको 4-5 हफ्ते वेट करना पड़ेगा, 4 हफ्ते यानी 1 महीना हो जाता है, तो 1 महीने की वेटिंग थी इस पर, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है भाई गोल्ड ले लेते हैं, गोल्ड की भाई की प्रेफरेंस थी तो मैंने कहा ठीक है भाई गोल्ड कर लो। तो एक गोल्ड हमने करा दिया था, बट सेकेंड प्रेफरेंस पर डीप पर्पल रख दिया था और फिर नीचे सिल्वर और फिर आखिरी में ब्लैक, ठीक है, जो ग्रे है वो जो ब्लैक ही लगता है, ठीक है। तो भाई गोल्ड का क्या सीन था, गोल्ड उन्होंने बोला था बहुत जल्दी आ रहा है और गोल्ड ज़्यादा लोग ले भी नहीं रहे तो आपको मिल जाए गोल्ड, पर किस्मत क्या थी भाई साहब, डीप पर्पल मिल गया यार, डीप पर्पल मिल गया और ले आए हैं भाई। सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है और ख़ासकर लाइटिंग में बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल लगता है, देखो जब दूर से थोड़ा थोड़ा देखते ना मस्त टेक्स्चर आता है, ठीक है। सो भाई का सपना, पहला सपना, देखो कनाडा आओगे सपने पूरे होते जाएंगे, ठीक है। कनाडा में कहाँ है, वैनकूवर, वैनकूवर आओगे, पहला सपना पूरा हो गया 14 प्रो मैक्स आते ही आईफोन का। आप लोग भी ले सकते हो, यूँ मैं सोचूं कि भाई मैं ऑलरेडी रह रहा था तो मैंने दिलवा दिया, नहीं आप लोग भी ले सकते हो, उसका सारा तरीका आपको समझाता हूँ शुरुआत से लेकर एंड तक, ठीक है। पहले आपको आप क्या सोचे, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भाई आते ही नहीं ले पाओगे, पर इतना है आपको कम से कम 2 महीने वेट करना पड़ेगा, 2 महीने के बाद आप फ़ोन ले सकते हो अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर। उसमें क्या होगा भाई, आपके हर महीने थोड़े थोड़े पैसे कटते रहेंगे क्रेडिट कार्ड पे ही और बढ़िया हिस्ट्री भी बनेंगे, बस टाइम टू टाइम अपना पे करते रहना, ठीक है। एक सिंपल सा नॉर्म है, सिंपल सा रूल है। फिर मैंने कितने क्या रुपये अभी दे के आऊँ, देखो 2 ऑप्शंस होते हैं, एक होता है 0 डाउन पेमेंट पे, जो आपने देखा था 13 प्रो मैक्स लेके आए थे हम हिमांशु का, ठीक है। तो उसने 0 डाउन पेमेंट पे उठाया था, यानी कि 0 पैसे दे के आया था, अगले महीने से पैसे कटने लग जाएंगे, पर उसमें आपको क्या पड़ेगा, उसमें फ़ोन कम से कम $300 से $400 महंगा पड़ेगा। तो $100 हो गया आपके 6,000, तो भाई 24,000 रुपये फ़ोन महंगा पड़ता है। वो तो होता है जब आपके पास पैसे ना, पर आपको फ़ोन लेना है, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। तो पहले महीने आप पैसे कमाओ, पैसे जोड़ो और पहले महीने बिल्कुल फ्री में फ़ोन, और फिर उसके बाद हर महीने आपके अराउंड 8,000 रुपये कटते रहेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ लाइक अ मियर 6 से 8,000, तो आपके मतलब दिन में एक या फिर डेढ़ दिन की सैलरी होगी, वो आपकी पार्ट टाइम की बता रहा हूँ, ठीक है, पार्ट टाइम वर्क फुल टाइम कुछ मान लो, या एक डेढ़ दिन की सैलरी है, ठीक है। तो वो पॉसिबल है। उसके बाद दूसरा सस्ते वाला करोगे तो भाई एक बारी में 0 डाउन पेमेंट जो उसका था, एक फिर थोड़ा सा डाउन पेमेंट दे के और तब फ़ोन को ले गया। तो भाई मैं डाउन पेमेंट दे के आऊँ आज, इसकी कितने रुपये दे के आऊँ विद बिल दिखाऊंगा, ठीक है, कितने डॉलर्स दे के आऊँ, फिर INR में आपको बताऊंगा। उसके बाद अब मेरा फ़ायदा क्या हो, डाउन पेमेंट के बाद 2 ऑप्शन आते हैं, चलो पहले आपको डाउन पेमेंट का सिस्टम दिखा देता हूँ कितने पैसे दे के, उसके बाद 2 ऑप्शन बताऊंगा। वो ऑप्शन ऐसे हैं आप लोग हैरान हो जाओगे क्या ऑप्शन है। चलो ये तो अपना नाम है ऊपर कुनाल, ठीक है, इसको थोड़ा सा छुपा देते क्योंकि नीचे एड्रेस फ़ोन नंबर है। तो इस सबसे पहले $100 मैंने दिए थे, वेट लिस्ट आईफोन 14 प्रो मैक्स 128 होता है, पर यहाँ पर सिर्फ 12 लिखा, तो भाई $100 लगे मेरे वेट लिस्ट के। फिर उसके बाद ये अलग 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 खर्चे लगे हैं। फिर मैंने एक चार्जर भी लिया है $25 का, ये रहा भाई, ये फ़ोन है भाई 14 प्रो मैक्स $500। पहले मैंने $500 की टोटल, फिर विद GST ये 100 माइनस हुए क्योंकि मैं $100 पहले दे दिए थे बुकिंग के, तो मेरे विद GST सारा बिल मेरे पड़ा है 486, यानी कि अराउंड $500 का। तो ओवरऑल 30,000 रुपये दिए मैंने आज, 30,000 रुपये में मैं 14 प्रो मैक्स घर लेके आऊँ विद चार्जर, ठीक है। सो 30 भी क्यों गाइस, वैसे 6,000 इसके भी तो थे वेट लिस्ट के, तो अराउंड 36,000 रुपये मान लो, 36,000 और 36,000 रुपये में मैं 14 प्रो मैक्स घर लेके आऊँ, ठीक है। अब मैंने क्या लिया है, मैंने भाई एक ट्रेड इन का ऑप्शन आता है, मैं ट्रेड इन करवाया। ट्रेड इन का मतलब क्या, ट्रेड इन वो वाला ट्रेड इन नहीं कि मैं अपना ये वाला आईफोन उनको दे आया, ये उठा लाया, इतने पैसे कट गए, नहीं,
वो वाला सिस्टम नहीं है। इसके बाद अब एक ऑफर आता है 2 साल बाद। एक सेकंड गाइस, मेरा फ़ोन बज रहा है, मेरी सिम इसमें है ना, आप एक मिनट रुको। हेलो भाई, ऑफर क्या है कि भाई 2 साल बाद आप इस फ़ोन को देके और दूसरा फ़ोन ले सकते हो। समझो एक बार डिटेल में समझो। तो अभी हमने जैसे ये ले लिया 14 प्रो मैक्स, 2 साल बाद 16 प्रो मैक्स आएगा, राइट? तो फिर अब आप सोचो कि यार अभी इस पे पैसे लगा रहा हूँ, कल को फिर उस पे भी लगाने पड़ेंगे। नहीं, एक सिंपल सा अच्छा सा तरीका ये है कि आप करो ट्रेड इन में। अब मेरे हर महीने ना, वैसे अगर मैं ट्रेड इन नहीं करता तो उसमें मेरे को फ़ोन ख़रीदना पड़ता पूरा का पूरा। तो उसमें पूरा ख़रीदने के लिए मेरे को $20 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, यानी कि मेरा पड़ता है महीने का $33, और अब मेरे पड़ेगा महीने का $13, ठीक है? तो $20 का फ़र्क आ गया। अब मैं महीने के $13 इसके पैसे दूंगा, एक महीने में $13, एक घंटे की सैलरी आपकी, एक घंटे से भी कम की, ठीक है? तो महीने के मेरे उतने पैसे जाएंगे इस फ़ोन के। उसके बाद ये पैसे जाएंगे मेरे 2 साल तक, यानी 24 मंथ्स तक। 24 मंथ्स के बाद मेरे पास ऑप्शन होगा कि या तो मैं 400 डॉलर के अराउंड $400 दे के इस फ़ोन को ख़रीद लूँ, क्योंकि उतना अमाउंट बच जाएगा मेरे को देना, ठीक है? तो $20 का दो साल का कितना पड़ गया आप देख ही लो, इतना जितना भी है उतना पड़ जाएगा, उतने मेरे को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे इस फ़ोन को अपना बनाने के लिए, परमानेंट रखने के लिए। नहीं तो अगर मैं ये नहीं चाहता हूँ तो फिर मैं इस फ़ोन को करूँगा ट्रेड इन। तो वो जो 16 प्रो मैक्स आएगा तो उस टाइम पे इसको दे के और वो ले सकता हूँ, और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो भाई अब हर किसी को, भाई हम तो स्टूडेंट्स हैं यार, हमको तो अपग्रेड करना ही पड़ेगा। तो सबका शौक होता है, तो भाई का भी शौक है, तो 16 प्रो मैक्स ले लेगा 2 साल बाद, और उसमें भी बहुत ज़्यादा सेविंग्स होने वाली है क्योंकि हमने चूज़ ही ऑप्शन ही ऐसा लिया है, ठीक है? सो ये थी, और भाई दूसरा मैंने आपको बता दिया, उसमें $20 यानी $33 का पड़ेगा। तो भाई इतना ईजी है कैनेडा में आपको घर कह रहा हूँ, देखो बार बार यश ही मिला रहा है भाई, वो असल में आज इंटरव्यू देने के लिए जा रखा तो वो सवाल जवाब कर रहा है मेरे से, ठीक है? सो कर देते इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म, बल्कि अच्छे से ही करते इवेंट को, बातचीत एक बार फिर से हो जाए। चलो कट गया भाई, कट गया फ़ोन, कोई नहीं, बाद में देखेंगे, वीडियो को ख़त्म करते हैं पहले। तो गाइज आज की ब्लॉग में बस इतना ही, तो देख लो कितना ईजी है कैनेडा में फ़ोन लेना, और ऐसी बात नहीं इंडिया में भी ले लो आप। तो इंडिया में भी शायद से EMI के ऑप्शंस आते हैं जहाँ तक मैंने सुना है, और HDFC भाई इंडिया में तो अच्छे अच्छे हैं, 6,000 का डिस्काउंट आ रहा है आपका, ये आ रहा है HDFC बैंक में, वो हमेशा चलता है, वो यहाँ पे वो वाला चक्कर तो नहीं है। बट हाँ, फिर भी मेरे ये फ़ोन 95,000 का पड़ा है INR में, सो काफ़ी अच्छी डील थी और फ़ोन हमने ले लिया है। तो अब आपको दिखता रहेगा यश का ब्लॉग, अब मैं प्रॉपर शुरू करवाऊंगा। तो भाई का चैनल मैं डाल रहा हूँ भाई डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर देखना। एंड भाई वीडियो पसंद आई तो भाई जाके जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा भी और उसका भी, एंड इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, DM me। ओके, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग।